की हरदिल अजीज गुजरे हैं, असलम गनी कॉन्ट्रेक्टर, ये जिया अपार्टमेंट बलैसिस रोड मुंबई सेंट्रल ईस्ट में रहते थे और ये रिटायर्ड एनसीजीएम बीएमसी के ऑफिसर थे। तो मुझसे काफी उम्र में बड़े थे वो और मैं उनसे अक्सर शेयर बाजार के बारे में मालूमात लेता था क्योंकि असलम भाई को चार्ट ग्राफ दिखना आता था। तो जब वो मुझे समझाते थे तो वो कहते थे कि मुझसे बार बार पूछो, बार बार पूछने से मेरी मेमोरी का रिवीजन होता है जिसकी वजह से उनकी भी नॉलेज बरकरार रहती है। तो उसी तरीके से आज 27 मार्च संडे 2022 हमने फिर एक बार इनवाइट किए हैं इमरान खान को मजीद मालूमात लेने के लिए। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज एक बार फिर आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं और आज मैंने फिर इनवाइट किया हूं मिस्टर इमरान खान को। इस बार इन्होंने अलग टॉपिक लाया कि किस तरीके से डोमोसाइल सर्टिफिकेट बनता है, इसकी अहमियत क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे मिस्टर इमरान खान से। मिस्टर खान, मुझे ये बताइए कि डोमोसाइल सर्टिफिकेट की जिंदगी में क्या अहमियत है और इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जो डोमिसाइल है ये सर्टिफिकेट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक राशन कार्ड, नंबर वन राशन कार्ड, स्कूल लिविंग बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों मस्ट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, थर्ड नंबर आधार कार्ड, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लेटेस्ट होना चाहिए और 15 साल जूना होना चाहिए, ये दोनों मस्ट कंपल्सरी ना, लाइट बिल, हाँ लाइट बिल कंपल्सरी है। और दूसरे डॉक्यूमेंट? दूसरे और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है। मिस्टर खान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डोमोसाइल सर्टिफिकेट किस काम में इस्तेमाल होता है और सिटीजन को इसकी इम्पोर्टेंस क्यों समझना चाहिए। ये जो डोमिसाइल है ये आपके हर एजुकेशन पर्पस के लिए चाइल्ड के काम में आ जाता है, जैसे यूपीएससी एग्जाम हो गई, एमपीएससी एग्जाम हो गई, बैंक्स के हो गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, इवन वो माड़ा में जो आपको अलॉट करना है अगर बुक करना है रूम तो उसके लिए भी है, फिर उसमें ऑटो बैज है, टैक्सी बैज है, ये सब पर्पसों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ये। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो ये है कि वो बच्चे को एडमिशन के लिए बड़ी दिक्कतें आती है उस वक्त। ये जो डोमोसाइल सर्टिफिकेट होता है इसको भी हर साल वैलिड कराना पड़ता है? नहीं, ये लाइफ टाइम है, अगर आपने एक बार इसे बना दिया तो फिर वो आपका लाइफ टाइम तक रहता है। और ये जो डोमोसाइल सर्टिफिकेट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी कलेक्टर की तरफ से इश्यू होता है? हाँ बिल्कुल, ये महाराष्ट्र कलेक्टर ऑफिस से इशू। और ये कुछ 15 साल का प्रूफ हो जाता है कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो? बिल्कुल, ये वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि आप 15 साल महाराष्ट्र में रह रहे करके। मिस्टर खान ने कितनी सादगी से बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्या इम्पोर्टेंस है और किस किस चीज में ये इस्तेमाल होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूं कि बच्चे जब नीट पास कर लिए, 12th पास कर लिए, अब उनको डॉक्टरी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है और सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है डोमोसाइल सर्टिफिकेट जो प्रूव करता है कि आप आपके पेरेंट्स 15 सालों से मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे। और ये अगर डोमोसाइल सर्टिफिकेट नहीं है फिर आपके पास लाखों रुपया रहे, ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज उसको एडमिशन नहीं देंगे। मिस्टर खान, आप अगेन आपका पूरा नाम बताइए, कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, कॉन्टेक्ट एड्रेस बताइए और टाइमिंग बताइए कि सिटीजन आपको अगर आके मिलना चाहे अपने बच्चों के डोमोसाइल के लिए या खुद के डोमोसाइल के लिए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर बच्चे माइनर है, बिलो 18 है, तो उनके पेरेंट्स की या फादर की भी डोमोसाइल बनाना लाजमी है? बिल्कुल जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर बच्चा माइनर है तो उसके फैमिली में से किसी ना एक का डोमिसाइल होना चाहिए, या उसके फादर का या उसकी बड़ी बहन का या उसके बड़े भाई का, तो ये कंपल्सरी है अगर बच्चा माइनर है तो। और अभी आप अपना बताइए, नाम एड्रेस वगैरह सर। मेरा नाम इमरान अजीज अहमद खान है, मेरा मोबाइल नंबर 7208382925। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 7208382925। मेरा एड्रेस है
अपोजिट डीसीबी बैंक, हसनाबाद, नियर अंजीरवाड़ी, माउंट रोड, माजगांव, मुंबई नंबर 10। और मैं वहां पर 9 से सुबह 9 से 5 शाम के 5 बजे तक रहता हूँ। मिस्टर खान ने बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक जानकारी दी है सिटीजन को, तो अब उनको समझ लेना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में या मेडिकल में डालना चाहते हैं ब्राइट एजुकेशनल फ्यूचर के लिए, तो सबसे पहले डोमोसाइल बनाइए। और डोमोसाइल के जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्होंने एकदम शॉर्ट में बता दिए। अब सिटीजन में अवेयरनेस चाहिए कि वो पहले से प्रिपरेशन करे। और जब एनआरसी का जब मुद्दा चल रहा था, सीए का मुद्दा चल रहा था, तब तो हर कोई दौड़ रहा था डोमोसाइल बनाने। लेकिन हाल फिलहाल जो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये ठंडे बक्से में गया है, तो अब सिटीजन में वो अवेयरनेस बाकी नहीं है। तो हम भी रिकमेंड करेंगे जिन किसी को डोमोसाइल बनाना है तो मिस्टर खान से मिलिए, उन्होंने अपना नाम, कॉन्टेक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह सब दे दिए, टाइम भी दे दिए। और ये भरोसेमंद शख्स है, मैं काफी सालों से नहीं जान रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिटीजन मिस्टर खान को अप्रोच करेंगे अपने और अपने बच्चों का डोमोसाइल बनाने के लिए। खुदा हाफिज़। फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।